औद्योगिक क्षेत्र BBN में मॉनसून कभी भी दस्तक दे सकता है। प्रशासन ने भी मॉनसून से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बार बरसात से निपटने के लिए प्रशासन ने नदी व खड्डों के किनारे बसे लोगों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि बरसात के दौरान नदी व नालों में पानी उफान पर रहता है। प्रशासन ने नायब तहसीलदार को ऐसे परिवारों को हटाने के लिए बोल दिया है। वहीं इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंडल नालागढ़ भी अलर्ट चल रहा है। विभाग ने बरसात में पहाड़ी एरिया में बंद होने वाली सड़कों को समय पर खोलने के लिए मशीनों का प्रबंध कर लिया है। विभाग ने जेसीबी मशीनों को हायर कर लिया है, ताकि निर्धारित समय पर भूस्खलन की स्थिति में सड़कों को खोला जा सके। SDM नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल का कहना है कि कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे चलेगा और हर आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हमने डेंगू अवेयरनेस के लिए एक कमेटी गठित करी है, जो कि लोगों को घर घर जाके इस बारे में बता रहे हैं कि वो कोई भी वाटर सोर्सेज अपने घर पे स्टैग्नेंट ना रखें, ताकि जो डेंगू है उसमें पैदा ना हो सके। लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि वो चाहे वो वाटर कूलर्स हों या फ्लावर पॉट्स हों या जो गमले होते हैं वो हों, तो किसी भी तरह का पानी उनमें इकट्ठा ना होने दें। जो भी स्टैग्नेंट वाटर जहाँ भी इकट्ठा हो रहा हो उसको आपने रेगुलरली क्लीन करना है, ताकि डेंगू का जो मच्छर है वो पैदा ना हो, लार्वा जो है। एंड थर्डली, हम कंट्रोल रूम सेटअप करेंगे सब डिविजनल लेवल पे। उसके लिए हमने सभी डिपार्टमेंट से उनके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रेक्विजिशन करी हुई है। उसके बेस पे हम डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स लगाएंगे, जिससे कि 24/7 हमारा कंट्रोल रूम सब डिविजन से ऑपरेट हो सके। उसके अलावा भी अगर हमारे सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो अलर्ट हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी लैंडस्लाइड जैसे या एक्सेसिव रेन के कारण कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें, डिपार्टमेंट्स हमारे अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। उसके अलावा हमारे पास नालागढ़ में NDRF की टीम भी स्टेशनड है, तो अगर हमें किसी भी इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ हैं। तो अगर कहीं पे भी पहली बात तो मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी थोड़ा अलर्ट रहें इस मौसम में, जब भी पहाड़ी क्षेत्र से ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा देख के चलें। और एल्स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। घटना रिपोर्ट होती है तो आप जरूर हमें बताएं, ताकि हम एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करके लैंडस्लाइड को क्लियर करवाएं।